हमने जब बड़े लड़के को पढ़ाया था, बच्चों को पढ़ाया था, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत थी। जब तो इतना पैसा भी नहीं था, मतलब ये सामान इतना महंगा भी नहीं जाता था, बहुत ही सस्ते में जाता था। अब तो फिर भी रेट बढ़ गए हैं इसके। और जब हमने बड़ा लड़के ने कॉलेज में एडमिशन लिया था हमने उसने, तो हमें बहुत ही ज़्यादा परेशानी हुई थी, मतलब पैसे की तरफ से बहुत ज़्यादा परेशान थे हम। तभी हमने ये मकान बनाया था, और जब ही उसका एडमिशन हुआ था तो मतलब हमने क्या बताया आपको, बस बहुत ज़्यादा तंग थे हम। खाना भी हमने ऐसे, मतलब दोनों टाइम चटनी रोटी बनती थी हमारे घर में। बात थोड़ा सही है कि हमारे जो हम प्रजापति हैं, हमारा जो मिट्टी का काम होता है, उसकी वजह से जो है ना रिश्ते वगैरह नहीं होते। पढ़ी लिखी बेटी को अपनी को मतलब मिट्टी के काम वाले को नहीं देना चाहता। सभी सोचते हैं कि मतलब हमारी बेटी को भी जाके मिट्टी का काम करना पड़ेगा, तो इसलिए बहुत दिक्कत आती है सभी को, मेरे को ही नहीं, सभी को ही, जो मिट्टी का काम करने वाले हैं उनको सभी को दिक्कत आती है। दीपावली यानी कि खुशियों का त्यौहार। आप देख सकते हैं मेरे पीछे यहाँ पर कुम्हार अपने दिए बना रहे हैं। दीपावली का मतलब ही होता है दीप प्रज्वलित। दीप प्रज्वलित ऐसे कि रोशनी इनके घर में कुछ इस तरीके से फैली है कि इसी काम को आगे विस्तार देते हुए इन्होंने अपने बच्चों को इस तरक्की पर पहुँचा दिया कि आज बेटा इंजीनियर है, बेटा CA है, और लड़कियाँ जो हैं वो ग्रेजुएशन कर चुकी हैं। तो आज इसी स्टोरी को विस्तार देते हुए हम जानेंगे कि किस तरीके से दीपावली के इस पावन अवसर पर इन्होंने दिए बना कर किस तरीके से तरक्की हासिल की। हमारे तो ये दादा परदादा से करते आए हैं, क्या बोलूँ इसके बारे में, खूब खुशी महसूस होती है। काफ़ी टाइम से कम भी बचपन से ही कर रहा हूँ मैं, और पिताजी भी इसी काम को करते थे। मैं तो 4-5 क्लास पढ़ा हुआ हूँ, नहीं बस अब थोड़ा बंद ही करना चाहूँगा, 1-2 साल ही बस। इसीलिए हमने बच्चों को पढ़ाया लिखाया है कि ताकि इस मिट्टी में ना रहे, जो मेहनत बहुत ज़्यादा है, मिट्टी नहीं मिलती है, सरकार हमें कोई सुविधा नहीं देती है, जैसे मिट्टी जो होती है तो सरकार कोई सुविधा नहीं देती। गाँव में तो खेत वगैरह देते हैं, लेकिन यहाँ शहरों में कोई नहीं देता। अगर अगर हम जैसे मान लो मिट्टी लेके आते हैं तो ट्रैक्टर वाले लेके आते हैं, तो ट्रैक्टर वालों को भी मतलब पुलिस वाले सरकार मतलब पकड़ लेती है, परेशान करती है, तो वो फिर रेट बढ़ा देते हैं। ये तो वो खुद ही लेके आते हैं, इसमें तो मेहनत तो इसको अंदर गिरवाते हैं लेबर से, उसके बाद में जो है मतलब इसको सुखाते हैं, फिर उसको फोड़ते हैं डंडे से, उसके बाद में इसको गलाते हैं, फिर उसकी आटे की तरह मारते हैं, घूमते हैं, फिर उसके बाद में जो है फिर पैरों से खूनते हैं, और उसके बाद में जो है फिर मिलाते हैं उसको, जैसे लोई वगैरह या आटा गूंथते हैं ना, तो दोबारा आटे की तरह गूंथते हैं उसको। नहीं कह रहे, ये तो चलता रहता है। कैंडल भी जो है लगाते हैं लोग, लड़ी भी लगाते हैं, लेकिन जो पुराने जो लोग हैं सभी लोग जो है दिए के जो शौकीन हैं वो दिए ही जलाते हैं, जो दियो को शुभ माना जाता है, दिए ही जलाए गए थे। तो मैं तो चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा मतलब लोग दिए जलाएँ और जो पुरानी परंपरा है उसको निभाएं। हाँ, जब तो दिए कम जलते थे, नहीं जब भी दिए बिकते थे, ऐसी बात नहीं है, दिए तो तब भी बिकते हैं और अब भी बिकते हैं। मुझे बहुत खुशी है मेरे बच्चे पढ़ लिख गए, बाकी इस काम में बहुत मेहनत है तो वो नहीं कर पाएंगे, कोई परेशानी ना हो। जो परेशानी हम उठा रहे हैं वो हमारे बच्चे नहीं उठाएँ। देखो मैंने अपने पीर में तो नहीं देखा था ये काम, लेकिन यहाँ जैसे जैसे आई तो फिर यहाँ करना पड़ा मेरे को, नहीं लगा बुरा। अब जैसे ये मेहनत करते थे तो मैं भी करने लगी ऐसे ही। स्ट्रगल क्या है, बहुत स्ट्रगल क्या है, अपने लिए नहीं पहनते थे, हमें दिलाते थे, अपने लिए नहीं करते थे, हमारे लिए करते थे। हमें अच्छे से पढ़ाया उन्होंने, बहुत खुशी होती है, बहुत अच्छा महसूस करते हैं। मेरे पापा ने बहुत मेहनत की है, मम्मी ने भी बहुत मेहनत की है, बहुत स्ट्रगल किया है, हर कोई नहीं कर पाता। भाई बड़ा वाला इंजीनियर है और हम दोनों बहनें ग्रेजुएशन है की हुई है, छोटा वाला भाई CA कर रहा है। बहुत मेहनत की है, मेहनत बहुत है, और हमने भी कराया साथ मिल के। नहीं, सरकार की तरफ से तो हम लोगों को नहीं मिल पाती है, कुम्हारों को कौन दे रहा है। लेकिन हाँ, स्कूल में जब थे तो ऐसा लगता नहीं था कि हम ऐसे ग्रेजुएशन कर पाएंगे या भाई भी हमारे इतने अच्छे पढ़ पाएंगे, बहुत क्योंकि मेहनत बहुत थी। कई बार पापा स्कूल से भी ले आते थे घर पे काम कराने के लिए, जैसे बारिश होती थी
बहुत बच्चे मजाक भी उड़ाते थे हमारे, मटका मटका टाइप बोल के बहुत मजाक उड़ाते थे, लेकिन मैं कभी बुरा नहीं मानती थी। और हमेशा अब भी मैं कभी भी कोई पूछता है तो मैं बहुत प्राउड फील करके बोलती हूँ कि हाँ हम प्रजापति हैं, कुम्हार हैं, मिट्टी का काम होता है। लेकिन जैसे हम कॉलेज में पढ़ते थे तो हमारे कॉलेज में तो कोई लड़की यकीन ही नहीं करती थी कि हम प्रजापति हैं, फिर हमारे घर में मिट्टी का काम भी होता है। तो देखा आपने किस तरीके से मिट्टी को आकार देते हुए एक परिवार ने अपने जीवन को आकार दिया है। प्रगति के बिना कुछ भी नहीं है। बच्चे आज इतनी तरक्की पर पहुंच चुके हैं, मेहनत करके, संघर्ष करके आज इन्होंने ये चीज़ें हासिल की हैं। कैमरा पर्सन नम्रता के साथ अनिका महेश्वरी, नमस्कार।